हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार में। दोस्तों, ये सैमसंग का फ़ोन है और इसमें मतलब इसका टच अचानक काम करना बंद कर दिया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक हमारा जो है डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है, अचानक टच काम करना बंद कर देता है, या अचानक आपका माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। मतलब आपका मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम कुछ भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना। तो मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो जाता है कि आपका अचानक टच काम करना बंद कर देता है, या आपके डिस्प्ले पर फ़ोन आता है कुछ भी दिखाई नहीं देता है, या मतलब आपका फ़ोन ऑन रहता है कुछ भी डिस्प्ले पर नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लेना है। दोस्तों, आपको रिबूट और रिस्टार्ट करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, तो ज़रूर इस ट्रिक का एक बार इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसके लिए आपको पावर बटन को प्रेस करके और वॉल्यूम डाउन बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है दोस्तों। तो चलिए, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आप एक साथ लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका कुछ टाइम में फ़ोन रिबूट होगा दोस्तों। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, हमने दोनों बटन को प्रेस किया तो उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर फ़ोन वाइब्रेट किया, तो हमने जो है दोनों बटन को छोड़ दिया। अभी हमारा फ़ोन जो है रिबूट हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूँ, ध्यान से देखना दोस्तों, ध्यान से सुनना। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक चलते चलते हमारे मोबाइल का टच काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मोबाइल पर ग्राफिक आना बंद हो जाता है, फ़ोन आता है फिर दिखाई नहीं देता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। यानी अचानक से आपके मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम कुछ भी हो जाता है, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके ज़रूर देख लीजिए। सैमसंग फ़ोन को, कोई भी सैमसंग फ़ोन हो, ज़रूरी नहीं है कि यही मॉडल हो, कोई भी फ़ोन हो दोस्तों, आपका वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा और उसके बाद आपका जो है हैंगिंग प्रॉब्लम जो भी रहेगा वो 100% काम करना शुरू कर देगा। देख लीजिए दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो गया, अब जो है हमारा जो है टच काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को जो ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।